मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। अब उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें काफी गहरी हैं और ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जा रहा है। हिंदू धर्म दरअसल पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को मकर जाल में फंसाने की एक साजिश है। हिंदू अगर एक धर्म होता तो वहाँ दलितों और पिछड़ों का भी सम्मान होता। उन्होंने कहा कि हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। इस दौरान सपा नेता ने राष्ट्रपति पर भी विवादित बयान दिया। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर दक्षिण के महत्व को ही प्रतिपादित किया। उतना ही दिलचस्प यह है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल की बात की। अपने देश की बात करें तो अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में भी दक्षिण भारत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दक्षिण के 6 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी रणनीति बनाने में लगी है। दक्षिण की 130 लोकसभा सीटों में भाजपा कितनी सीटें जीत पाती है या तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भाजपा सबसे ज्यादा जोर तमिलनाडु में लगा रही है, जहाँ उत्तर भारतीय मतदाताओं की बड़ी आबादी है। जाति की गणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है। संभवतः आज यह तय हो सकता है कि कोर्ट जाति जनगणना के डाटा को रिलीज करने का आदेश देगी या फिर रोक लगा देगी। इससे पहले 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। इसमें जाति गणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की अदालत से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसमें 7 दिन का समय मांगा था। इसके बाद 28 अगस्त की तारीख दे दी। इससे पहले कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील देते हुए कहा कि राज्य में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, सारे डाटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। भारत में क्रिकेट विश्व कप का आगाज 5 अक्टूबर को होना है। उससे पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 4 अक्टूबर को उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा सकता है। इस रंगारंग कार्यक्रम में बॉलीवुड के सितारे हिस्सा ले सकते हैं। उस दिन सभी 10 टीमों के कप्तान भी वहां मौजूद रहेंगे। अगले दिन टूर्नामेंट का पहला मुकाबला गत विजेता इंग्लैंड और पिछले विश्व कप के फाइनल में हारने वाली टीम न्यूजीलैंड के बीच होगा। 3 अक्टूबर को विश्व कप के अभ्यास मैच समाप्त हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभ्यास मैच समाप्त होने के बाद सभी कप्तान अहमदाबाद में इकट्ठा होंगे, सभी मीडिया से बातचीत करेंगे और फोटो खिंचवाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल है। बैठक का आयोजन गुजरात सरकार के सहयोग से गृह मंत्रालय के तहत अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कर रहे हैं। बैठक में यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जाँच व बुनियादी ढांचा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए सोमवार को राज्यों, सरकारी बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC के वरिष्ठ अधिकारियों की सोमवार को बैठक बुलाई है। 17 सितंबर से लागू होने वाली यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को फायदा पहुंचाएगी। योजना को MSME कौशल विकास और वित्त मंत्रालय मिलकर लागू करेंगे। केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोचीन सीमा शुल्क ने 50 लाख रुपए मूल्य के 1.08 किलोग्राम वजन के 4 काले कैप्सूल आकार के पैकेट बरामद किए हैं और उनको जब्त कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला देशभर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में बयान जारी किया है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि रोजगार मेला कार्यक्रम से गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती कर रहा है। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी। सीएम ने भी सभी महिला प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। सीएम धामी ने सभी महिलाओं को उपहार भी भेंट किए। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को महिला प्रतिनिधिमंडल ने राखी बांधी। बता दें, रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूहों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के रूप में तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता और मौजूदा मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का सोमवार को कश्मीर पहुंची है। वह एक कार्यक्रम के लिए एक दिवसीय दौरे पर श्रीनगर आई है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कैरोलिना बिलावस्का के कश्मीर दौरे की कुछ तस्वीरें सामने आई है। इनमें वे मिस वर्ल्ड इंडिया सिनी शेट्टी और मिस वर्ल्ड कैरेबियन
एमी पेना के कश्मीरी व्यंजनों का आनंद लेते हुए नजर आ रही है। आमिर खान इन दिनों फिल्मी दुनिया से दूर है। आखिरी बार वह लाल सिंह चड्ढा में नजर आए थे। एक्टर की यह फिल्म रिलीज से पहले काफी ज्यादा चर्चा में थी, लेकिन रिलीज होने के बाद अपना जादू चलाने में नाकाम रही। फिल्म की असफलता के बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने ब्रेक का ऐलान कर दिया। फिलहाल वह किसी एक प्रोजेक्ट की तलाश में है जिसके साथ वह वापसी कर सके। इस बीच खबर आ रही है कि आमिर ने लाल सिंह चड्ढा की पूरी टीम के साथ गेट टुगेदर पार्टी की है।